हेलो दोस्तों, मैं विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपको आज आपदा प्रबंधन से कुछ विवि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में काम आ सके। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तरी बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? दोस्तों, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूखा की किस प्रकार की आपदा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा, सूखा प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? तो दोस्तों, सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की कमी। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी। अगला प्रश्न है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संग्रह करना। सूखे से बचाव के लिए हम वर्षा जल संग्रह कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरों के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। महासागरों के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में भयंकर भूकंप आया था 2004 में। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी तरंग। सबसे पहली तरंग को पी तरंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक केंद्र। भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिक केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन तरीका सही नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान भरोसे बैठे रहना। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? दोस्तों, बाढ़ की स्थिति आने के समय हम लोग ऊंचे स्थान पर हम लोग को जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पे। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दोस्तों, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ, ताकि आपको हमारे वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय।